अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल सहाबिक या सय्यदी या हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व सहाबिक या सय्यदी। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। और हम तो मजलूम के साथी हैं दिलो जान के साथ हम तो मजलूम के साथी हैं दिलो जान के साथ बन न आएगी हमारी किसी सुल्तान के साथ। कल हमारी नवाज शरीफ से जंग थी आज हमारी इमरान खान से जंग। जो भी जालिम होगा सामने उससे हमारी नहीं बनती। हम तो मजलूम के साथी हैं दिलो जान के साथ बन न आएगी हमारी किसी सुल्तान के साथ। हम नहीं उनमें के अंधेरे में कोई वार करें जंग हम तुझसे लड़ेंगे मगर ऐलान के साथ मगर ऐलान के साथ। जनाब दोस्ताने ज़िम्मेदार मिडरांझा तो बहुत सारी जगह की नुमाइंदगी इत्थे मौजूद है। दो दो चार चार संगी पूरे हल्के तो तकरीबन तशरीफ ले आए सारियां दा बड़ा शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। ए लाइट थोड़ी जी अगर पीछे करें आ ना ए भाई मैं नहीं मेहरबानी बंदा एक दूजे आसानी नाल ना देखे ना तो ठट नहीं आंदा तुसी ते वेदे पे आओ तो मैं कोई ना दिसदे पे। मेरे दोस्त और मेरे भाई तरीके लबैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है और सियासी जमात किसी दुनियादारी दे मफाद आस्ते नहीं बनाई गई। रसूलुल्लाह सल्लम दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते बनाई गई और दीन हर उस बंदे दा जै कलमा पढ़िया ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। और ए जेड़ा डर है ना ए आज दी गल नहीं और जेड़ा ए फखर है ना ए भी आज दी गल नहीं ए बड़ी पुरानी गल लेकिन इस दीन दा ए 1400-1500 साल च मिजाज रहा कि इस दी सरबुलंदी सब तो पहले आम लोग खड़े खड़े असी आम लोग हां ना तुसी ते मैं साडे कोल ना कोई जहांगीर तरीन वाला जहाज है ना कोई मेले वाली प्राडो है ते ना इमरान खान वाला कोई बनी गल है ते ना नवाज शरीफ वाला कोई हो राय विंड वाला महल है इन्नी गल नहीं। तुहाडी मेरी अपनी अपनी कखां दी कुल्ली है किसे दे चार कोठे किसे दा डेढ़ कोठा इहो कोई जी सबब है ना साडा असियां आम लोग। मक्के विच भी जिस वेले मेरे सोने ने ऐलान कीता इन ए आम लोग ही रसूलुल्लाह नाल खड़े हो गए। वत सरकार ने रंगिया किवें
सरकार ने अपने जान तो बाद जिस टाइम सरकार दा दुनिया तो रुखसत होने दा वक्त आया ना मुसल्ले ते किसे बनू हाशम या बनू उमैया या किसे वड्डे कबीले दे आदमी नू नहीं खड़ा कीता उन खड़ा कीता है जेड़ा पेड़े दिहाड़े रसूलुल्लाह ना खड़ा हो गया आम जे छोटे जे कबीले दा बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया दा सारा इश्क जनाब दिया जुतियां तो कुर्बान आपने आख्या कि अबू बकर हुण मेरी उम्मत नू नमाज पढ़ावे सईदा आयशा रजी अल्लाह वाला हां अनहा ने अर्ज की हुजूर मेरे वालिद साहब दी उम्र भी ज्यादा है ते दिल दे भी कमजोर ने तुसी किसे होर गुलाम दी ड्यूटी लाओ फरमाया जो कुछ मैं जानता है वो तू नहीं जानता ते इदा मतलब है सरकार किसे दा बकाया नहीं रखदे वो गया है ना गार च वो गया है ना पेड़े दिहाड़े खड़े होया सरकार ने अमीरुल मोमिनीन बना छड़ा मेरे दोस्त और मेरे भाई वो घर अल्लाह और उदा रसूल बड़े लजपाल लेकिन पहले जुर्रत करना ये बड़ी मुश्किल जी गल लेकिन जेड़ा ये कर जा रहे वो वत्तर जा और वत जिस वक्त ये दीन दा निजाम यजीद ने आके खराब किया सब तो पहली तहरीक हजरत इमाम हुसैन ने खड़ी उस तो बाद इमाम हसन दे पोतरे हजरत नफ्स ज़किया ने खड़ी की हजरत इमाम नफ्स ज़किया दे नाल भी आम लोग खड़े और उस वक्त दे जेड़े इमाम आजम आए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उन्होंने इमाम नफ्स ज़किया दे हक च फतवा दिता और एडा डाडा फतवा दिता खलीफा वक्त दे खिलाफ फरमाया के नफ्स ज़किया दे नाल खड़ा होना इन जिवें बदर च लोग रसूलुल्लाह दे नाल खड़े हो गए क्यों नफ्स ज़किया रसूलुल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी दी गल करदे पिया और इस दी पादाश खलीफा ने नप के जेल च डक छड़े और आखिया फतवा वापस लो जेल च मौत हो गई है इमाम ने फतवा वापस नहीं ले जे वापस ले लेंदा ते असा भी हनफी कोई ना होई ना जेड़े पैरां ते खड़े रहंदे ना उन्हां दे नाम ही रंग उन्हां दी ही फिक्र भी रंग ते जेड़े झोला पवे ते डोल वेंदे ना वत उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं रंग इस जमाने विच इस बाबे नू ढेर सारे झोले पए फौज मुखालिफ पुलिस मुखालिफ हुकूमत मुखालिफ ए वड़े वड़े जगीरदार फ्यूडल हत्ता के मौलवी ते पीर भी मुखालिफ मैदान है डटा आधा रहा तेरे नाम पे करूं जा फिर ये जहां क्या दो जहां दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां लेकिन बस सोने ने इज्जत नाल भी नवाज नहीं छड़े मीनारे पाकिस्तान ओ मंजर कदी भी नहीं वेख्या जेड़ा बाबे दे जनाजे ते वेख्या ए बाबे दे इस सरकार दी लजपाली वो बंदे साइया गल छड़े ओ ना आउणा हा मेरे दोस्त और मेरे भाई अज वक्त ते कि असां दीन दी सर बुलंदी वास्ते खड़े हो और खौफ उतारी खौफ सिर्फ इंसान दे ज़हन च और बार खौफ कोई नहीं हो मैं तुहानूं सादा जी मिसाल देना मैं अक्सर संगियां ने गल समझांदा हुंदा बई साडा जटका वसे बिन असां पानी लेने हां रात जागदे हां दिहाड़ी असां गुजरदे हां ना ते नाले दे किनारे ते किक्कर हुंदा रात नू आंदे हां ना ओ किक्कर बला बणिया खड़ा कई वारी बंदा डर के नस ले जेड़ा कमजोर दिल दा
बहुत भगो को बला आई तो मैं पानी वंदा छड़या मैं भाई कोई नहीं बता मैं आ गया तू बिस्तरे च पै के भी ओदा मुड़का नहीं सुकदा हालांकि बिस्तरे विच ओ किकर मगर कोई नहीं आवे ओ उत्ते खड़ा हुंदा मैं सिर्फ तुहाने दसना भाई जिन्ना तू तुसी डरते आयो ए किकर ही है बला कोई नहीं यकीन जानो बला कोई बस बस तुसी तकड़े हो एक गरीब जिया आज एक मिन संगी दसी ये गल एक गरीब जिया नाई वो एक साड़ा पिंड राजे अंदर यो दे दो घर मिर्ज़ई हो गए उस आख्या अब मैं मिर्ज़ईयां दे वाल कोई नहीं बना ए मेरे नबी दे गुस्ताख हो गए मेरा इन अंदर गल्ली कोई नहीं अच्छा उन चौधरी आख्या तुम बनाने साडे रिश्तेदार उस आख्या रिश्तेदार है ते आप बना लियो ना मैं कोई नहीं बना अच्छा उन आख्या बतें इतो भांडे चौने पे उस आख्या अगले लोग धर ले मैं को किल्ला ठोके हो मैं इन्हां दे वाल कोई नहीं ना इन्हां दी कुन्नी चढ़नी ना इन्हां दे ना वरता उस बंदा एक वाल बनेंदा पे आपू ए दे सामने बह के तो मिर्ज़ियां दा एक बंदा लिया के उस दे सामने चबणे उस आके आई दे बड़ा इना वाल में वेदा किवें उस तरह डांदा तेरे हथे ना उठ बैठा उस तिगड़ा सण के मोस आके भैया मैं जे कोई नहीं बणा खुदा दी कसम ना ये जे भी उठे ही है ओ खौफ किकर वाला ही है छड़ा हो उस आके मैं नहीं करना तो बात उस कोई नहीं जेड़ा रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते उस गैरत वास्ते डट अपनी इज्जत वास्ते भी डट ना वेंदे इंज नहीं गल एकी दूजी आप सब जाती वैर मैं भी बंडी वाला बंदा जाती वैर बंडी बस विद विद सह सह जान कर करा लेने हां लेकिन ए बस करके हुण सरकार दे दीन वास्ते डटना मुसलमान होण दा सबूत दे तरीके लबैक पाकिस्तान है थोड़ी मेरी जमात है ਇਹੋ ਬਣੀ ਗੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰਨਾ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਤਾਰੀਖ ਬੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਜਲ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਨੇ ਜਲੀ ਮੈਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਐ ਸਰ ਆ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਚ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਦ ਰਾਤੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕਾ ਸੁੱਕਾ ਮੈਂ ਨਾਪ ਲਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਲੂਦਿਆਂ ਪਠਿਓ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾ ਦੇ ਹੋਏ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਆਦੇ ਇਹ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਡੰਗਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ ਵਾਤਾ ਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਕੂੜੇ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਇੱਕੈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ਾਇਖ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਫਾਤਮਾ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ੈਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੜਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੋਕੁਮ ਰਾਇਨ ਵ ਕੁੱਲੋਕੁਮ ਮਸਊਲੁਨ ਅਨ ਰਈਅਤਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸਾਂ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ
अपना नाम लिखाओ, अपना फोन नंबर लिखाओ, रबते च रवो। ये मैंबर बनाएन अपना इतने बाडी का मैंबर बनाएन संगी, तुसी बाडी का हिस्सा बनो। थोन इलेक्शन लड़ैन, तुसी इलेक्शन लड़ो। ये इलेक्शन इन्हां दी विरासत कोई नहीं जेड़े लड़दे। ये है थोड़ा साडा इलेक्शन, छड़ा असी आप वोट पा के ना मैंबरी किसे होर दे उन्ने। आइए समझ, बस हुण मैंबरी वापस ले आउणी ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਮ ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 18 ਮੁਰੱਬੇ। ਬਸ ਸੰਤ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਿਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲੋ ਬਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਜਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਦੀਨ ਨੇ ਸਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ 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 ਕੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਬਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰਗੜੀ ਲੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਗੜੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਪੀ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਰੂੜੀਆਂ ਹੀ ਉਜੜੀਆਂ ਨੇ? ਨਸੀਬ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਦਲੇ। ਖੁਦ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਤੇਰੀ ਕੇ ਲੱਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇਰੀ ਕੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਸ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਡਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਚਾਊ ਵਾਲੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚਾਊ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੀ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ, ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੀ ਨਾਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।